हाय, वेलकम बैक, वेलकम अगेन। और ये स्टॉक की वीडियो, बेसिकली स्टॉक ऑप्शंस में आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी दिनों से कुछ इंक्वायरीज हैं, बट स्टिल आई डोंट हैव मच टाइम टू स्पेंड विद ऑल दीज थिंग्स। सो स्टॉक ऑप्शंस में, स्टॉक में और स्टॉक फ्यूचर्स में कैसे ट्रेड करना, बेसिकली ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर है, विच इज़ नॉट ओनली ए एक्सेल कैलकुलेशन, इज ए कंप्लीट सॉफ्टवेयर। एवरीथिंग राइट एंड लेफ्ट साइड, पूरा सेक्टर चेंज हुआ आज, पूरा सेक्टर बुलिश आया। क्या क्या था? निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी पीएसयू बैंक्स एंड निफ्टी एफएमसीजी, और वो भी कुछ स्मॉल क्वांटिटी में, कुछ स्मॉल परसेंटेज में। अब थोड़ा सा क्लियर विजन आपको दिखेगा। सो सेक्टर पूरा डाउन था, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग बिल्ड, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, किसमें ज्यादा शॉर्ट बिल्डअप हो रहा था, शॉर्ट कवरिंग हो रही थी, तो उसमें ऑप्शंस की, बेसिकली ऑप्शन चेंज का और उसके एनालिसिस के बेस पे है ये। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली टॉप गेनर टॉप लूजर, मेरी एंट्री कहाँ पे होगी, किस होगी। ऐसा नहीं है कि ओपनिंग हुआ और मार्केट जाने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, नहीं, आपको समझ में शायद आ जाएगा, नहीं आएगा तो मैं आपको डिटेल करता हूँ, ट्राई करूँगा कि डिटेल करूँ, उसमें फिर आप अपना ऑप्शंस देख लीजिए। मैं बेसिकली ओटीएम करता हूँ, जिस तरह का मार्केट बिहेवियर लगता है, अगर मुझे लगता है कि बड़ा मूवमेंट है तो थर्ड फोर्थ एटीएम ओटीएम पे चले जाते हैं। अभी सेकंड वीक चल रहा है तो सेकंड वीक में थर्ड फोर्थ ओटीएम, थर्ड फोर्थ ओटीएम याद रखिएगा। और अगर थर्ड और फोर्थ वीक चलता है तो उस केस में ऑलमोस्ट सेकंड थर्ड तक ही जाते हैं, उससे ज़्यादा दूर नहीं जाते। सो क्योंकि उसका प्राइस जब चेंज होता है तो 3 गुना 5 गुना के मूवमेंट देता है, लेकिन अभी अगर फोर्थ फिफ्थ में अगर आप करेंगे और मूवमेंट आपकी डायरेक्शन में आ जाता है तो मेरे इंडेक्स की तरह ही ये भी कई गुना का मूवमेंट देखने को मिलता है। तो आज के ट्रेड पहले स्ट्रेट वे दिखाते हैं, ये गेनर लूजर थे बेसिकली, लूजर, ये आज लूजर रहा। लूजर देखिए, एंड टाइम पे लूजर आया है, तो उससे पहले ऑब्वियसली जेके सीमेंट ऑब्वियसली ये पहले गेनर में भी आया होगा। गेनर में आया कि नहीं आया वो देख लेते हैं, क्योंकि मेरा जो है कल के क्लोजिंग से, अगर देखिए पहले गेनर में आया, 2% ऊपर मूवमेंट गया, राइट, तो पहले गेनर में आया, और बेसिकली गेनर में जब आया है तो मेरी एंट्री स्लाइट लिटिल बिट हियर, और पहली एंट्री मेरी यहां पे हुई है, बाय का एंट्री हुआ। बाय एंट्री में जो भी ऑप्शन वैल्यू चीजें स्ट्राइक, 4700 का प्राइस है। अगर मैं बात करूं, बेसिकली ओपन पे है, यहां कहीं इसके हाई के ब्रेकआउट पे ये ट्रेड हुआ है, 4796 से 4857, तो 100 पॉइंट के आसपास, 497 और 100 मतलब 80-90 पॉइंट का है। सो अगर इसमें देखें तो 4796 बेसिकली 48 के आसपास है, और कॉल का है तो कॉल में 4850, ये 110 से 30% का मूवमेंट, देन केम बैक टू डाउन वापस, ठीक। अभी इसमें बेसिकली शॉर्ट एंट्री हुआ, शॉर्ट एंट्री जब हुआ है तो ये बाय का लाइन था बेसिकली, और फिर शॉर्ट एंट्री हुआ है, 410 पे, तो 410 पे 4810, सो उसका ओटीएम बेसिकली हम सेकंड और थर्ड ओटीएम में जाएंगे तो ये, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, सो किसी में भी जाके आप ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शन में क्या हुआ किस टाइम, अब जिसमें भी वॉल्यूम होगा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, आप जेके में करते हैं कि नहीं करते, और जेके सीमेंट देखिए ऑप्शंस में बेसिकली कहाँ कहाँ वॉल्यूम है, ये चीज़ आपको सामने से दिखेगी। तो पहला वॉल्यूम यहीं पर है, उसके बाद बड़ा वॉल्यूम है यहाँ पर है, तो बेसिकली राउंड फिगर में ज़्यादा वॉल्यूम है, और ये स्टॉक में होता है। जेके सीमेंट और चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। सो मेरी एंट्री कहाँ पे है उसके बाद आप देख सकते हैं,
एंट्री शुड बी हियर, द टाइम इज 11 o'clock और 11 बजे, 11 बजे इसका प्राइस था 10-11 o'clock और 50 रुपीज़ के आसपास था, 100% का मूवमेंट इसमें, वही 78, 160, 80 से 160, 100% का मूवमेंट है। सो स्टॉक ऑप्शन आप देखिएगा, मैं एक बार स्टॉक दिखा देता हूँ आज के स्टॉक। पहले इसको देखिए, पहले लूजर दिखा रहे हैं, 3 और 3 6 और 3 9 लूजर जो भी हैं, लूजर के बाद फिर गेनर पे आएंगे, 9 स्टॉक इन लूजर साइड। रिलायंस पहली मॉर्निंग एंट्री, उसके बाद मार्केट स्टेबल रहा, स्टेबल के बाद फिर रेजिस्टेंस आया, तो रेजिस्टेंस सेम जो मेरी एंट्री पॉइंट था उसका रेजिस्टेंस, बाकी मेरा स्टॉप लॉस नहीं हुआ। श्री राम फाइनेंस करीब 9:45-9:40 पे एंट्री, 9:45-9:50 पे एंट्री, मार्केट मूवमेंट 3285 से लेके 3238, 85 50 60 पॉइंट का मूवमेंट। मुथूट फाइनेंस ब्रेकआउट पे ट्रेड आया, सेकेंड कैंडल थर्ड कैंडल पे इसके ओपन पे आया, बिकॉज ये नीचे यहाँ पे ब्रेक दिया, 1984-85 के आसपास ट्रेड आया, 1984 से 1955 30 पॉइंट का मूवमेंट। LIC हाउसिंग फाइनेंस ये फर्स्ट कैंडल पे ट्रेड नहीं आया, बेसिकली यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम के बाद ये ट्रेड आया, फिर मार्केट स्टेबल हुआ, फिर नीचे आया, स्टॉप लॉस नहीं हुआ है इसमें भी। HDFC लाइफ ये सब लूजर हैं। HDFC लाइफ 703, 722 से 703 यानी करीब 18-19 पॉइंट के मूवमेंट। बजाज फिनसर्व, बजाज फिनसर्व 1850, 1850 का सेलिंग लेवल है, 1850 से लेके 1821 लो, 1821 30 पॉइंट का मूवमेंट है। बीच में आप क्या निकालते हैं क्या नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऑप्शंस आप खुद देख लीजिएगा। ICICIGI अभी ऑप्शन बिकॉज मंथली होती हैं तो आपको प्रॉपर टाइम मिल जाएगा, आप आराम से चेक कर सकते हैं दिन में किस किस स्टॉक में क्या क्या मूवमेंट हुआ, कौन कौन से ऑप्शन में ज़्यादा मूवमेंट रही, तो ऑप्शन में क्या मिला वो आप खुद देख लीजिएगा, क्योंकि लंबा टाइम हो जाएगा और इस पे ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे। तो बेसिकली 2216 से 2148 काफ़ी बड़ा मूवमेंट इन स्टॉक। ICICGI, चोला फाइनेंस, चोला फाइनेंस एंट्री 1530 27 पॉइंट का मोमेंट। अब आते हैं गेनर्स पे, पहला ही गेनर देखिए इंडिया होटल, 677 से लेके 696 काफी परसेंटेज वाइज देखें काफी बड़ा मूवमेंट है, स्टेट वे ऊपर और ऑप्शन में तो इंडिया होटल का ऑप्शन जो भी रहेगा तो उसमें तो अच्छा ही किया होगा उसने, तो ऑप्शन देखना चाहे तो ऑप्शन देख सकते हैं जो भी आपको समझ में आए। क्या है 677, तो करीब 680 यहाँ पे देखिए 150% की मूवमेंट। अगर सेकंड ओटीएम में कॉल की बात करें तो 150%, 142%, 141%, 140, 140, 140, तो ये सारे के सारे 150% के आसपास की मूवमेंट है। कोई भी आप राउंड फिगर जिसमें भी वॉल्यूम आपको दिखे उस स्ट्राइक प्राइस में हम ट्रेड कर सकते हैं। बेसिकली ट्रेड शुड बी हेयर, 5-5 रुपये से लेकर 10 रुपये डबल का मूवमेंट है, और इंडिया होटल यहाँ पे इसमें देखें 7 रुपये से 14 रुपये, ये भी डबल। चलिए ये हमारा था पहला गेनर। कोफोर्स एंट्री, एंट्री के बाद मूवमेंट 100 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट है, 6719 क्या वैल्यू था, 6719 और 150 से ज़्यादा का मूवमेंट है, बेसिकली 150 पॉइंट से ज़्यादा का मूवमेंट। तो इस कंडीशन में 150 पॉइंट 6719 0, और इसके ऑप्शंस में अगर आप देखोगे तो 159% सेकेंड ओटीएम इज हियर, सेकेंड थर्ड फोर्थ, सो थर्ड फोर्थ कर सकते हो, 77,000 का राउंड फिगर को फोर्स, 7,000 का राउंड फिगर में 81 का एंट्री, 133 एंट्री समवेयर अराउंड हियर, 170-180% का मूवमेंट इन साइड, राइट। तो ऑप्शन में और स्टॉक फ्यूचर्स में आप इसको लेके ट्रेड कर सकते हैं। इंडिया मार्ट, इंडिया मार्ट में एंट्री मीन्स एंट्री यहाँ पे भी मार्केट स्टेबल रहा, दोबारा ब्रेकआउट किया, फिर 3 4 5 मल्टीपल टाइम उसका मल्टीपल एरो का मतलब यही है कि वो कंटिन्यूसली उसको रजिस्ट भी कर रहा था और ब्रेकआउट भी ले रहा था। तो 3105 पे एंट्री, 3156 तक गया, तो 50 पॉइंट का मूवमेंट, 50 पॉइंट में ऑप्शन क्या करेगी ये आप देखिएगा।
3105 3105 3100 वैल्यू है तो सेकंड ओटीएम 3150 3160 3140 और 3160 देख लेते हैं। बेसिकली लो वॉल्यूम प्रोडक्ट है, ऑप्शन में थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा, इसमें इसमें ट्रेड नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना कि बिड आस्क का आपको प्राइस ही नहीं मिलेगा, तो आपको राउंड फिगर कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा। तो आप उसके एटीएम पे जा सकते हो, एटीएम में अगर थोड़ा बहुत मूवमेंट है तो एटीएम पे, नहीं तो आपको फ्यूचर ही ट्रेड करना पड़ेगा इस सिचुएशन में। 3105 का वैल्यू है, 3105 3100 का वैल्यू अगर, हाँ इसमें सबसे ज़्यादा वो वॉल्यूम थी तो इसी को देख लेते हैं। 3105 सुबह का जो प्राइस था अगर इसमें, यस ये थोड़ा सा स्टेबल है, सो हमारी एंट्री थी 9:30 पे। हमारी एंट्री इसी के वैल्यू पे 93 के आसपास एंट्री आई, 90-93, तो ज़्यादा नहीं चला लेकिन फिर भी जो भी उसमें हुआ वो इसमें देखने को मिल जाएगा। तो एटीएम या ओटीएम वो आपको डिपेंड करता है, वो एक अलग तरीका है सेलेक्ट करने का कि किस ऑप्शन को ट्रेड करना है कि नहीं। इप्का लैग में पहली एंट्री यहाँ पे 1433 से 1449 12-13 पॉइंट की मूवमेंट, बार बार मार्केट वहीं पर स्टेबल होके ऊपर जाता रहा। और टाटा कॉम में 1961 से लेके 2007 और 2000 का राउंड फिगर करें तो 154% चला है और ये 160% चला है। तो सेकंड थर्ड ओटीएम जो भी आपको देखना चाहें देख सकते हैं। सो एंट्री विल बी हियर 27 से 50 16 से 32, तो 100% का आपको इसमें भी मूवमेंट आपको देखने को मिल गया। टाटा कॉम के बाद बड़े आज काफ़ी स्टॉक थे तो इसलिए थोड़ा सा लंबा टाइम लग सकता है। इसमें एक एंट्री है 1593 से 1611-12 गया है ये स्टॉक। टेकम है, टेकम का 1594 यानी 1600 के आसपास है, तो 1600 के आसपास से फिर 28 रुपये ये 37 या ये दोनों के दोनों प्राइसेस देख सकते हो। वहाँ पे क्या एंट्री मिलती है तो 20 रुपये है, 20 रुपये से 50% का मूवमेंट आया बेसिकली एंट्री के बाद, यस 50% के आसपास का मूवमेंट देखने को मिला। तो टेकम के बाद अगर चलें तो अभी स्टॉक काफ़ी हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बालकृष्णन में एंट्री 3015 से 3105, तो 3105 ऑलमोस्ट 90 पॉइंट की मूवमेंट, 90 पॉइंट की मूवमेंट में अगर 3115 पे मैं एंटर करूं तो ऑप्शन क्या देखने हैं, हाँ 3350 देख सकते हैं, 3300 देख सकते हैं, तो 3300 और 3350 दोनों देख लेते हैं। देखिए एंट्री मेरी ओपनिंग एंट्री नहीं है कि ओपन होते ही मैं कोई मैजिक ट्रिक दिखा रहा हूँ कि आपको इमिडिएटली एंटर करना है, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ हैं वो मैं टीच करता हूँ, वो मेरे कोर्स का पार्ट है। तो बेसिकली 16 रुपये से 32 रुपये 15-16 रुपये वही स्ट्राइक प्राइस बेसिकली। इसमें कोई खास वॉल्यूम नहीं है लेकिन इसमें वॉल्यूम है अच्छा खासा। सो यहाँ पे बालकृष्णा टाइम इज 10 o'clock, दस रुपये एंट्री मिलेगी, 16 रुपये 16 रुपये से मार्केट 30 रुपये है, तो 90% के आसपास का मूवमेंट हुआ। आपको एग्जिट कहाँ करना है वो पार्ट ऑफ माय कोर्स। उसके बाद आगे चलते हैं, इसमें बाला कृष्णा के बाद है हमारे पास हैवल्स की एंट्री 1914-1945 का हाई, 30 पॉइंट का मूवमेंट। स्टेटवे 1914 से अगर देखें तो ऑप्शंस, आज मैं आपको ऑप्शंस दिखा रहा हूँ 1914 मतलब 20 के आसपास है, 20 और 1920 के आसपास है। तो सेकंड ओटीएम 1960 का हम ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं क्योंकि वो उसके अंडर में है, ठीक है। चलिए अब ये सेकंड कैंडल की एंट्री है 9:15, सेकंड कैंडल 20 रुपये, 20 रुपये से 35 रुपये एग्जैक्टली 28 से 43, तो दोनों में 70-80% का मूवमेंट ऑप्शंस में। और फ्यूचर में आप खुद देख लीजिए, फ्यूचर का लोड आप करेंगे या इसका लोड करेंगे डिपेंड्स ऑन यू।
लॉट साइज सेम है बट ऑप्शंस में पैसा कम लगता है, स्टॉक में आप लीवरेज लेके काम कर सकते हो इंट्राडे बेसिस या फिर होल्डिंग बेसिस, जैसे भी आप करना चाहें वैसे आप कर सकते हैं। हैवल्स के बाद बात करते हैं बजाज ऑटो, 11,000 कुछ का सिंबल। बजाज ऑटो में 10,927 की एंट्री और 11,048, 10,927 और 11,048 की एंट्री, बेसिकली ऑन ब्रेकआउट। 100 पॉइंट का डिफरेंस है तो 900 है, तो 900 के बाद आप दिस समवेयर अराउंड हियर। आपकी एंट्री 130 के आसपास, 50 पॉइंट का मूवमेंट स्टेट हुए यहाँ भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ बजाज ऑटो के 100-150 पॉइंट में यहाँ पे 50 पॉइंट आपको मिल रहे हैं। तो बजाज ऑटो के बाद जुबली फूड, जुबली फूड ऑल्सो एंटर एट 653, हाईएस्ट 672, 7290, 20 पॉइंट से ज़्यादा का मूवमेंट है 20 पॉइंट में। ये क्या करेगा, ऑप्शन क्या करेगा वो हम देख लेते हैं। 650, सो ऑप्शन 100% का मूवमेंट दे रखा है। देखिए एंट्री आपको देखनी है, दोबारा देखते हैं किस टाइम पे आई है एंट्री। एग्जैक्टली 9:20 वाली कैंडल पे आई है, सो 9:20 के कैंडल पे 9:20 दिस विल बी समवेयर अराउंड हियर। 11 रुपये, 12 रुपये की एंट्री, 12 रुपये से 24 रुपये 100%। इसमें देखें तो 9 रुपये की एंट्री, उससे ज़्यादा 100+, राइट। सो जुबली फूड, जुबली फूड के बाद अगर बात करें तो वेयर द जुबली, जुबिलेंट फूड के बाद अगर बात है तो इस ऑल आर ऑप्शंस, हैवल्स, जुबली फूड, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक एंट्री 1182, 1182 से 93 का हाई, 10 पॉइंट की मूवमेंट, पूरा दिन स्टेबल। ऑप्शन में कोई खास मूवमेंट हुआ नहीं होगा, देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। 80 से लेकर 90 या पूरा 1200 का 40%, 30-40% की मूवमेंट इसमें दिखाई है, तो 40% 3rd कैंडल पे एंट्री, बेसिकली 3rd कैंडल इज हियर, तो एंट्री कहीं 12-14 रुपए पे, तो ऑलमोस्ट प्रॉफिट में ही निकले हैं। 12-12.5 रुपए पे एंट्री हो सकती है, तो 12-12.5 पे एंट्री, तो हाई 17 रुपए का है। 50% 60% का मूवमेंट आराम से देखने को मिला एक्सिस बैंक के बाद। द लास्ट स्टॉक इज एक्सिस बैंक भारतीय एयरटेल, भारती जैसे भारती, भारती 1563, 1563, 1587, 1563, 1563 इज नियर बाय 60, देन इस गोज टू बी 162,000 दिस वन। ये राउंड फिगर मैं ले रहा हूँ, तो काफ़ी सारी टेक्निक है। एंट्री, एंट्री कहाँ पे है वो देख लेते हैं। सेकंड कैंडल पे है मिड ऑफ द डे, मतलब पहली मिनट में एंट्री मिल गई होगी, सेकंड कैंडल के 1 मिनट के अंदर ही, 2 मिनट 1 मिनट के अंदर ही। सो 12 रुपये के आसपास की एंट्री और प्राइस 20 रुपीज़। सो ये यहाँ पे, सो ये था आज का कंप्लीट डिटेल। स्टॉक को दोबारा दिखा देता हूँ, जिसको देखना है देख सकते हैं, OFSS भी देख सकते हैं, और कुछ स्टॉक को यहाँ पे हिंदुस्तान लीवर -53 है, तो रिवर्स हुआ होगा, अनवाइंड हुआ होगा। HDFC लाइफ, ICICI, GI, SBI, LIC हाउसिंग, ये सब जो मेरी लिस्ट में आए हैं वो यहाँ पे हैं, बेसिकली जो मेरी लिस्ट के प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और बाकी जो नॉर्मल एनालिसिस है, जो ब्रोकर एनालिसिस देता है, वो यहाँ पे आपको दिखेगा। सो जो लोग भी स्टॉक ऑप्शंस या स्टॉक फ्यूचर्स में इंटरेस्टेड हैं वो प्लीज़ कनेक्ट कर सकते हैं दो तरीके से। जो हमारे साथ ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हैं, मतलब जो ऑप्शंस में इंटरेस्टेड हैं, ऑप्शन लर्निंग में इंटरेस्टेड हैं, स्टॉक ऑप्शन लर्निंग में इंटरेस्टेड हैं, उसके लिए कुछ डिफरेंट चार्जेस हैं। जो स्टॉक फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हैं, इस सॉफ्टवेयर से अपने फ्यूचर के सिलेक्शंस और एक स्कैनर की तरह यूज़ करके एंट्री स्टाइल और एग्जिट स्टाइल इज माइन, मैं आपको एंट्री, एग्जिट और वैल्यूज अपने तरीके से कैसे एंट्री करना है, मैंने क्या कैलकुलेशन की है, वो कैलकुलेशन मैं आपको सिखाऊंगा। तो एंट्री और एग्जिट आप मेरे तरीके से कर सकते हैं, वो एक बेस्ट पार्ट है। होता क्या है कि आपके पास जो भी स्कैनर हैं कहीं भी अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि स्कैनर ने आज मार्केट गैप अप हुआ, गैप डाउन हुआ, तो एकदम सडनली आपको बहुत सारे लूजर गेनर आपको दिखाई देने लग जाएंगे। उसका कोई मतलब नहीं है, लूजर गेनर में कन्वर्ट हो सकता है,
गेनर लूजर में कन्वर्ट हो सकता है और आपके स्टॉप लॉस कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली हिट होते रहेंगे। तो उसको अवॉइड करने के लिए दस अ पर्टिकुलर फार्मूला हाउ टू एंटर वेट फॉर द स्टॉक वेन एवर न्यू मूवमेंट केम। नया मूवमेंट और बड़ा मूवमेंट जब आएगा तो आपको एक प्रेडिक्टिव परसेंटेज प्रेडिक्टिव वैल्यू के लिए वेट करना होगा जब तक वो प्राइस मूवमेंट नहीं आएगी स्टॉक में, जब तक एंट्री करने का उस स्टॉक में कोई फायदा नहीं है। तो आज जितने भी स्टॉक थे आपने मेरी लाइनें और मेरी एंट्री वैल्यू आपने देखी होगी कि ऐसा नहीं है कि ओपनिंग पे ही मैंने बोल दिया कि ये अब जा रहा है, क्योंकि वो मेरी पर्टिकुलर 1% के आसपास ही कहीं मैं एंट्री कहीं देखता हूँ और उसके बाद मेरे अलग अलग फिल्टर हैं जो कि ऑप्शन चेन से रिलेटेड हैं, ऑप्शन कैलकुलेशंस हैं कि ऑप्शंस कहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, कौन सा ऑप्शन परफॉर्म करेगा, क्या चीज़ें हैं, कौन से स्टॉक में ज़्यादा मूवमेंट है, वॉल्यूम, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। सो एक सिंपल सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, डायरेक्टली इस पर ट्रेड हो सकता है। इफ़ एनी बडी इंटरेस्टेड प्लीज़ कनेक्ट टू मी। और आज के लिए इतना ही, दो वीडियो, एक ये स्टॉक पे काफ़ी टाइम से लोगों के ओपिनियन थे कि ये दिखाइए, तो मैंने सोचा चलिए आज बनाते हैं। सो गुड नाइट अगेन, टाइम ज़्यादा हो गया है, गुड मॉर्निंग भी हो गया, गुड नाइट, मिलते हैं कल के रिटेल वीडियो में और कोशिश करूंगा कि स्टॉक को भी कवर कर पाऊँ, बट टाइम का थोड़ा इश्यू है, जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं स्टॉक के बारे में ज़रूर बोलूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, गुड नाइट।